दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड के इस प्रोग्राम में हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो कि आपके पब्लिक की तरफ से होती है, यानी दर्शकों के लिए होती है। बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म रिलीज हो या ना हो, उसे दर्शक देखने जाते हैं और उसके बारे में आप सभी को जानकारी भी मिलती है। लेकिन जब कोई फिल्म YouTube पर रिलीज होती है तो उसके बारे में भी जानकारी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई फिल्म हो या कोई गाने हो या कोई फिल्म का ट्रेलर ही क्यों ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी जानकारियां हम आप सभी को अपने प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचा सके। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज यूट्यूब पर गाना रिलीज़ हुआ है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के खास हीरो के तौर पर अभी अपने करियर की शुरुआत करने वाले, जी हाँ, लेकिन सिंगर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके प्रमोद प्रेमी के बारे में। प्रमोद प्रेमी की अगर सिंगिंग की बात करें तो उन्होंने सिंगिंग के तौर पर तो अपना पैर जमा ही लिया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन एक्टर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अभी की है। और अभी उन्हें ऐसा लगता है, अभी ऐसा उन्होंने इस अपने करियर की शुरुआत बतौर एक्टर की है और उनकी फिल्म चना जोर गरम, जी हाँ, चना जोर गरम में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है अपने अभिनय के जरिए। लेकिन आज बात करने वाले हैं हम प्रमोद प्रेमी का आखिर कौन सा गाना रिलीज़ हुआ है। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी का एक डीजे सॉन्ग रिलीज़ हुआ है जो कि बहुत ही अलग तरीके का, अलग हटकर गाना है। इस गाने का नाम है जब जब सैया करे। इस गाने के लाइन इस तरीके से लिए गए हैं एल्बम के। आगे बात करते हैं, इसे वेब म्यूजिक पर रिलीज़ किया गया है और मात्र 20 से 25 घंटे के अंदर इस गाने को अब तक 5 लाख लोगों ने देख लिया है। 5 लाख लोग आप एक दिन में कह सकते हैं, एक दिन भी नहीं, कुछ घंटे कह सकते हैं हम आपको, कुछ घंटे में 5 लाख व्यूज़ पाना सच में प्रमोद प्रेमी के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अलग बात है। बात करें तो इस गाने को अभी तक 2500 लोगों ने लाइक कर दिया है, तो वहीं कुछ लोग जो हैं गाने को डिसलाइक भी कर चुके हैं। वेब म्यूजिक पर इसे रिलीज़ किया गया। अगर जो आप बात कर ही रहे हैं तो आप बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की, यानी कि इस गाने में कौन कौन से स्टार कौन कौन से स्टार हैं जो इस फिल्म में उन्होंने काम किया, इस गाने में उन्होंने काम किया है। बात करते हैं, सबसे पहला ये गाने का नाम है एल्बम का नाम है जब जब सैया करे, सेम गाने का भी नाम वही है और सिंगर है प्रमोद प्रेमी यादव। तो वहीं लिरिक्स अरुण बिहारी का है, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर सिंह है और वीडियो डायरेक्टर अनूप गुप्ता, कंपनी है वेब। जी हाँ, यानी कि देखा जाए तो हमारे प्रमोद प्रेमी का ये गाना जो लिखा है जिन्होंने, वो अरुण बिहारी हैं, जो कि उनके गाने काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रमोद प्रेमी ने भी ये गाना जो गाया है बहुत ही बखूबी तरीके से गाया है। देखिए, डीजे सॉन्ग देखा जाए कुल मिलाकर तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है और अभी से ही इनके ये गाने दर्शकों को काफ़ी अलग अलग तरीके के गाने जब गाते हैं तो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और आने भी चाहिए। बिल्कुल, अब देखते हैं कि आखिरकार प्रमोद प्रेमी का यह गाना दर्शकों को कितना ज़्यादा पसंद आता है आगे चलकर। लेकिन अभी बात कर लेते हैं आखिरकार जो दर्शकों ने इस गाने को सुनने के बाद कमेंट्स किए हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी गाना हिट है फ्लॉप है ये तो दर्शकों के द्वारा ही पता चलता है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं कमेंट्स की। अभी तक टोटल इसमें अप्रॉक्सली 700 कमेंट्स आए हैं, जिसमें पहला मैसेज है आशीष कुमार ऑफिशियल, जिन्होंने लिखा है वेरी वेरी नाइस सॉन्ग प्रमोद भैया, आई लव यू, यानी कि उन्हें गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वहीं पर रिमैक्स सॉन्ग जोन ने लिखा है झकास गाना प्रमोद भैया, यानी कि बहुत ही अच्छा उन्होंने गाना गाया है। वहीं आगे हम पढ़ते हैं, राजू भाई यादव का है सुपर हिट सॉन्ग, फाइन म्यूजिक सुपर डुपर हिट प्रमोद भाई, इन्होंने लिखा है। खेसारी लाल यादव फैंस क्लब है सुपर सॉन्ग प्रमोद भैया। कुमार अरविंद ने लिखा है सुपर सॉन्ग प्रमोद भैया, बहुत ही अच्छा गाना है, खेसारी ग्रुप का है बेस्ट। आगे देखते हैं कोई स्पेशल गाना, भोजपुरी अतुल का है बिना मतलब का सॉन्ग, जी हाँ, जबरदस्ती, यानी कि देखा जाए तो भोजपुरी अतुल जो है उन्होंने इस गाने को थोड़ा डिसलाइक किया है, उन्हें ये गाना पसंद नहीं आया है और ये एक बात उन्होंने कमेंट्स में भी लिखा है कि मुझे ये गाना पसंद नहीं आया है और
मैं इस गाने को पसंद नहीं कर पाया हूँ, उन्होंने ये लिखा है। आगे पढ़ते हैं, कुलदीप का मैसेज आया है, नाइस सॉन्ग प्रमोद भैया, वहीं पर गाना म्यूजिक का है। इस गाने को काफ़ी ज़्यादा अच्छे पसंद, वहीं पर मस्त फेवरेट सॉन्ग, ये लालजी कुमार ने लिखा है। वहीं पर मनीष राज ने सुपर, संतोष ने लिखा है, आई लव यू सर प्रमोद भैया संतोष कुमार, यानी कि अपनी तरफ से उन्होंने संतोष जी को बहुत ही प्यार दिया है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, प्रमोद प्रेमी का एक मैसेज और है, सुकेश कुमार का है, जिन्होंने लिखा है, प्रमोद प्रेमी इज द बेस्ट सिंगर इन भोजपुरी सॉन्ग, लव यू सो मच, यानी कि उन्होंने प्रमोद प्रेमी को भोजपुरी का बेस्ट सिंगर मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि प्रमोद प्रेमी जो गाने गाते हैं वो गाने काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से वो अपने गाने को गाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास जो मैसेज आया हुआ है वो रोहित शर्मा का है, जिन्होंने लिखा है, सुपर डुपर हिट सॉन्ग बाहु प्रमोद भैया, रोहित शर्मा झकास से, यानी कि उन्होंने भोजपुरी टोन में लेकिन अपने अंदाज में प्रमोद प्रेमी के इस गाने को बहुत ही अच्छा कहा है और बहुत ही ज़्यादा उन्हें गाना पसंद भी आया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई स्पेशल मैसेजेस मुझे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि खास मैसेजेस पढ़ने में मज़ा ही कुछ और आता है। वहीं पर अब प्रमोद प्रेमी के अगेंस्ट यानी कि खेसारी लाल यादव जी को खड़ा कर दिया गया। जी हाँ, सोनू मिश्रा ने लिखा है, बेस्ट हीरो खेसारी लाल यादव जी, बेस्ट सिंगर खेसारी लाल यादव जी, यानी कि देखा जाए तो इन्होंने खेसारी लाल यादव की यहाँ पर तारीफ की है जमकर। देखिए, भोजपुरी फिल्मों में जितने गाने आए हैं, जितने गाने दर्शकों को पसंद आ रहे हैं, वो तो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आएंगे ही आएंगे, लेकिन इन सब के बाद देखा जाए तो प्रमोद प्रेमी का जो गाना आया है अब, वो उनके एक्टर बनने के बाद काफ़ी और भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर दर्शकों को और भी ज़्यादा उनकी, उनके गाने और उनकी एक्टिंग दोनों ही पसंद आ रही है, उनकी फ़ैन लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है। खैर दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया प्रमोद प्रेमी के नए गाने की डिटेल्स। अब आप बात कर लेते हैं थोड़ी ट्रेलर की। बिल्कुल, आप सभी को याद होगा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो यानी खेसारी लाल यादव का ट्रेलर दोबारा से रिलीज किया गया है फिल्म दुल्हन गंगा पार के। आप सभी को ये खबर हमने आपको बता ही दी थी कि दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर जो है वो किसी कारणवश डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसे दर्शकों की तरफ से प्यार भरपूर मिला था। तो वहीं दोबारा इस फिल्म के ट्रेलर को एक बार फिर से रिलीज किया गया है, जो कि दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। कुछ ही कल ही इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज़ किया गया है। इसकी जानकारी भी खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्शकों को दी। अपने दर्शकों के बारे में बताया कि ये उन्होंने जो काम किए हैं, जो खेसारी लाल यादव की जो फिल्म है दुल्हन गंगा पार का, वो ट्रेलर दर्शकों को पसंद आ रहा है। तो वहीं अब आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का जो ट्रेलर दोबारा से रिलीज हुआ है दुल्हन गंगा पार का, इसे दर्शकों की तरफ से और भी प्यार मिल रहा है इस बार। यानी कि अभी तक कुछ घंटे, कल रिलीज हुआ है तो कुछ घंटे ही कहेंगे, अभी 24 घंटे नहीं, यानी एक दिन भी अभी नहीं हुआ है, और करीबन 5 लाख लोगों ने इस ट्रेलर को अभी तक देख लिया है। इसी फिल्म से जुड़ी हुई एक जानकारी और भी सामने आई है कि अब बहुत जल्द इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ किया जाएगा। वैसे इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है, उसकी शूटिंग के समय, उसके गाने के समय, उसकी फिल्म के ट्रेलर के समय, और अब देखते हैं कि आखिरकार ये फिल्म रिलीज़ कब होती है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के इस ट्रेलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा दर्शकों को ये पसंद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की तरफ से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और हर कोई के मन में पहले यही सवाल आ रहा था कि आखिरकार खेसारी जी का ये ट्रेलर कब तक रिलीज़ किया जाएगा, कब तक दर्शकों की तरफ से इस ट्रेलर को दोबारा रिलीज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी दर्शकों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे थे। बट फाइनली उस सवाल को ख़त्म किया खेसारी लाल यादव ने और उनका ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ। ट्रेलर पे थोड़ी नज़र डालते हैं, 5 लाख से ज़्यादा यानी अप्रॉक्सली 6 लाख हम व्यूज़ देखेंगे कुछ ही घंटों में, और बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। सबसे पहला कमेंट्स ही आया है खेसारी, जो हमारे युवा बाबुल जी का है, वेरी नाइस खेसारी भैया, मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था इस ट्रेलर का देखने का, काफ़ी समय से। वहीं पर नवीन शर्मन लिखा है, पवन सिंह को फोटो कॉपी करते हैं, इन्होंने कॉपी का थोड़ा इल्ज़ाम फिर से एक बार रख दिया। वहीं पर नीरज यादव का झकास ट्रेलर खेसारी लाल भैया, आई लव यू सो मच।
और आगे देखते हैं कोई अलग मैसेजेस हमारे पास. नाइस ट्रेलर खेसारी भैया, ये खेसारी फैंस क्लब की तरफ से आया हुआ है जिन्होंने खेसारी के लिए स्पेशल मैसेज किया है. गोपाल का है, ये दोबारा ट्रेलर अपलोड किया, क्या भैया व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं और मुझे भी आपका ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. माफ़ी चाहूँगी मैं सारे मैसेजेस नहीं पढ़ सकती, लेकिन खेसारी इतना ज़रूर कहूँगी कि खेसारी लाल यादव को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. यार दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में इतना ही. उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा है. अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर कीजिए और साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया और मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार. नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं.